हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक से एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होता है यानी कि कहाँ से रिलीज होता है। ऑप्शन ए है सेल्टोली सेल्स, बी लीडिंग सेल्स, सी फोलिकल सेल्स या डी नोन ऑफ डीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लीडिंग सेल्स। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण लीडिंग कोशिकाओं से होता है। टेस्टोस्टेरोन एक नर लिंगी हार्मोन्स है, मीन्स मेल हार्मोन्स है। इसका स्त्रावण तरुण अवस्था यानी कि किशोर अवस्था में आरंभ होता है। ये लीडिंग या अंतराली कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है यानी कि रिलीज होता है। यह स्टेरॉइड प्रकृति का एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन या मेल हार्मोन्स को एंड्रोजन भी बोलते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन्स होता है और एंड्रोजन मेल हार्मोन्स होता है। इस हार्मोन्स के कारण नर में मैथुन इच्छा जागृत होती है, मीन्स सेक्सुअल एक्टिविटीज इंक्रीज करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स। बहुमूत्र रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है, मीन्स जब जरूरत से ज्यादा यूरिन रिलीज होने लगे तो किस हार्मोन्स की कारण होता है। तो बहुमूत्र रोग वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की कमी से होता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स की कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन को एडीएच हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। बहुमूत्र रोग में व्यक्ति को अत्यधिक प्यास लगती है क्योंकि पानी वो ज्यादा रिलीज कर देता है बॉडी से यूरिन के थ्रू, तो इसलिए उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एड्रेनेलिन हार्मोन्स इंक्रीजेस। एड्रेनेलिन हार्मोन बढ़ाता है। ऑप्शन ए है हार्ट बीट, बी ब्लड प्रेशर, सी बोथ ऑफ दिस और डी नोन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा सी एड्रेनेलिन हार्मोन हृदय विस्पंदन और रक्तदाब दोनों को बढ़ाता है। आपको पता है कि एड्रेनल हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं और इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं और 4F और 3F द्वारा भी इसको डिनोट किया जाता है। एड्रेनल हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब गुस्से या डर के समय उत्पन्न होने वाले हाव भाव एड्रेनेलिन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। एड्रेनेलिन का चिकित्सा में बहुत महत्व है। इसको हृदय में इंजेक्ट करके कभी कभी रुके हुए हृदय में भी स्पंदन यानी कि हार्ट बीट प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट, हार्मोन दैट कॉजेस द मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बिगन्स टू सकल इज कॉल्ड। बच्चे के दुग्धपान के समय स्तन में दुग्ध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का क्या नाम है, यानी कि जब बच्चा दूध पीता है तो उस टाइम यानी कि दूध को रिलीज करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीटोसिन हार्मोन फीमेल में दूध को रिलीज करता है। बच्चे के दुग्धपान के समय स्तन में यानी कि ब्रेस्ट में दूध का निष्कासन करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन है और यह गर्भावस्था के अंतिम काल में गर्भाशय की दीवार के अनैच्छिक पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, यानी कि डिलीवरी के लिए भी गर्भाशय को तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लुकागोन हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय। ग्लुकागोन हार्मोन्स स्त्रावित होता है। ग्लुकागोन हार्मोन्स स्त्रावित होता है। इसका ऑप्शन ए है पिट्यूटरी, बी एड्रेनल, सी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा और डी है लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा। तो इसका आंसर होगा डी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा।
ग्लुकागोन हार्मोन लैंगरहंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और ग्लुकागोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घटने पर ग्लाइकोजन व वसा के विखंडन से ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करता है, यानी कि शुगर लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करता है जिससे यह आवश्यकता पड़ने पर रुधिर में पहुंचाया जा सके। और आपको क्या पता है कि लैंगरहंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है जो शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन इज रिलेटेड विद। वैसोप्रेसिन का संबंध होता है ए है क्विक डाइजेशन यानी कि तीव्र पाचन से, बी धीमी हृदय गति से, सी मूत्र के सांद्रण से और डी डाइल्यूशन ऑफ यूरिन मूत्र के डाइल्यूशन से। तो वैसोप्रेसिन या ADH का संबंध मूत्र के सांद्रण से है, तो इसका आंसर होगा सी कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। वैसोप्रेसिन व्रत की वाहिनियों और कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है और यह जल के अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र के आयतन को कम कर देता है, यानी कि बॉडी जब ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो मूत्र यानी कि यूरिन कम रिलीज होगा, तो इसलिए यूरिन का आयतन यानी कि यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी, इसीलिए इसे मूत्र रोधी या एंटी डायरोटिक कहते हैं। इसकी कमी होने से मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है, ये पानी को एब्जॉर्ब ये बॉडी में पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, पर अगर ये कम रिलीज हो तो यूरिन के साथ पानी की मात्रा ज्यादा निकल जाएगी और मूत्र पतला हो जाएगा और रक्त जिससे मूत्र तो पतला हो जाएगा और रक्त गाढ़ा हो जाएगा और इससे मनुष्य में डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसे उदक मेह रोग भी कहते हैं, इसे उदक मेह रोग भी कहते हैं। इसमें बार बार पेशाब आता है और शरीर से अत्यधिक पानी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल इज। कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स होता है ए थायरोक्सिन, बी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सी पैराथर्मोन और डी ऑक्सीटोसिन। आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स मिल्क रिलीज करता है और गर्भाशय को सिकुड़नियर फैलने में सहायक है। इसका आंसर हो जाएगा सी पैराथर्मोन। पैराथर्मोन आपको पता है कि पैराथर्मोन थायराइड ग्रंथि से लगा हुआ होता है और ये कैल्शियम के नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है। पैराथायराइड ग्रंथियां मटर के दानों के बराबर चार छोटी और गोल संरचनाएं हैं और ये थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह में धंसी होती हैं। कभी कभी इनकी संख्या 2 से 6 तक भी हो सकती है। ये पैराथर्मोन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड। निम्न में से कौन आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है, ए थाइमस, बी थायरॉइड, सी पिट्यूटरी, डी एड्रेनल। तो इसका आंसर होगा एड्रेनल। एड्रेनल ग्रंथि एक आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है क्योंकि एड्रेनल ग्रंथि के टू पार्ट्स होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड के टू पार्ट्स होते हैं, एड्रेनल मेड्यूसा और एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल मेड्यूसा से स्त्रावित हार्मोन एड्रेनलिन व नोर एड्रेनलिन हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन के लिए तैयार करते हैं, तो इसलिए इसे इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन विच ग्लैंड। ग्रेव्स डिजीज कौन सी ग्लैंड में प्रॉब्लम के कारण होता है, यानी कि ग्रेव्स रोग किस ग्रंथि में समस्या से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्लैंड, बी पिट्यूटरी, सी एड्रेनल और डी पैनक्रियास। तो इसका आंसर होगा ए थायराइड ग्लैंड। ग्रेव्स रोग थायराइड ग्रंथि में समस्या से उत्पन्न होता है।
यह थायराइड हार्मोन्स के अतिस्रावण से होता है, यानी कि जब ये ज्यादा हार्मोन्स रिलीज कर दे। ग्रेव्स रोग का पता सबसे पहले ग्रेव्स नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनल ग्लैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम। एड्रेनल ग्लैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम अधिवर्ग ग्रंथि को व्युत्पन्न किया गया है। ए एक्टोडर्म, बी बोथ एक्टोडर्म और एंडोडर्म, सी मेसोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों। तो इसका आंसर होगा डी, एड्रेनल ग्रंथि किडनी के ऊपर दिखाई देती है। इस ग्रंथि की खोज 1563 में हुई। यह ग्रंथि दो भागों से मिलकर बनी होती है। बाहरी भाग एड्रेनल कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसका उद्गम मेसोडर्म से होता है, और आंतरिक भाग एड्रेनल मेडुला कहलाता है, जिसका उद्भव एक्टोडर्म से होता है। यानी कि आंतरिक भाग एक्टोडर्म से बना हुआ होता है और बाहरी भाग मेसोडर्म से बना हुआ होता है। तो यानी कि एड्रेनल ग्लैंड मेसोडर्म और एक्टोडर्म दोनों से मिलकर बनी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? ए एड्रेनल ग्रंथि, बी पैनियल ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि और डी हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर होगा डी, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स अग्रपाल यानी कि अग्र सिरे से निकलने वाले हार्मोन्स एड्रेनो हाइपोफाइसिस कहलाते हैं। ये हैं एसटीएच, एसटीएच और जीटीएच दोनों ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। एसीटीएच एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, ये वैसोप्रेसिन यानी कि मूत्र से रिलेटेड हार्मोन्स है, और टीएच थायराइड हार्मोन्स, एलटीएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन दुग्ध को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स है, और मिलेनोसाइड प्रेरक हार्मोन्स ये त्वचा से रिलेटेड हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन इज मीन्स दुग्ध स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, यानी कि दुग्ध यानी कि मिल्क रिलीज करने के लिए कौन सा हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट ए है रिलैक्सिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी ओस्ट्रोजन और डी प्रोलैक्टिन। तो इसका आंसर होगा डी प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और यह दुग्ध स्रावण और गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। पर प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन में विकास और उसमें दुग्ध का निर्माण करने में सहायता करता है। इसका आंसर होगा डी, प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेस्ट का विकास करने और उसमें दूध का निर्माण करने में सहायक होता है, और रिलैक्सिन हार्मोन बच्चा पैदा होने में सहायता करता है और कार्पस ल्यूटियस से स्रावित होता है। एंड्रोजन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, यानी कि एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है द्वारा, किसके द्वारा? फोलिकुलर सेल्स, बी लेडिंग सेल्स, सी कॉर्पस लैक्टम सेल्स और डी सेटोली सेल्स। तो इसका आंसर होगा बी लीडिंग सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं। एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण टेस्टिस यानी कि वर्तन के लीडिंग सेल से होता है। एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण टेस्टिस की लीडिंग सेल से होता है। यह कोशिका की अंतःस्रावी भाग होता है जो स्टीरॉयड हार्मोन का स्राव करती है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक स्टेरॉयड होता है और यह एक मुख्य एंड्रोजन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एक मुख्य एंड्रोजन हार्मोन है। नेक्स्ट इज जेनेटिज्म एंड एक्रोमेगली डेवलप ड्यू टू भीम कायकता और अतिकायकता विकसित होती है। ए हाइपोथायरोडिज्म यानी कि थायराइड की कम क्रियाशीलता के कारण, हाइपरथायरोडिज्म यानी कि थायराइड की अधिक क्रियाशीलता के कारण, हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि वृद्धि हार्मोन की
अधिक मात्रा में स्त्राव होने के कारण, और डी हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन्स के कम मात्रा में स्त्राव होने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भीमकायकता और अतिकायकता, ये दोनों इस टाइप की बीमारी है कि इनमें शरीर अत्यधिक विकसित हो जाता है, अत्यधिक हमारे अंग ज्यादा ग्रोथ करने लगते हैं, और यह ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्त्राव यानी कि अधिक रिलीजिंग के कारण विकसित होता है। लीडिंग सेल सेक्रेट, लीडिंग कोशिकाएं स्त्रावित करती हैं, ए कोर्टिकोस्टेरोन, बी एल्डोस्टेरोन, सी प्रोजेस्टेरोन और डी टेस्टोस्टेरोन। ये हमने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका आंसर होगा डी टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण करती हैं, रिलीज करती हैं, और लीडिंग कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं, और टेस्टोस्टेरोन की प्रकृति स्टीरोइड होती है, और यह एक एंड्रोजन है। प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण कार्पस ल्यूटियम द्वारा किया जाता है, और इसे गर्भ हार्मोन भी कहते हैं। एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक सोमेटोस्टेनिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम, अग्नाशी सोमेटोस्टेनिन स्त्रावित होता है, ए अल्फा कोशिका से, बी डेल्टा सेल्स से, बी बीटा कोशिकाओं से, और डी D2F सेल्स या D2F कोशिकाओं से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अग्नाशय सोमेटोस्टेनिन का स्त्रावण डेल्टा सेल कोशिकाओं द्वारा होता है। आपको पता है कि अल्फा से ग्लुकेगोन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेनिन हार्मोन्स रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ लेबर पेन इज, यानी कि लेबर पेन किस कारण होता है, ए हो जाएगा वैसोप्रेसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों, और डी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसका आंसर होगा बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। आपको आपने पढ़ा है कि ऑक्सीटोसिन से दूध को रिलीज करने में सहायक है, और दूसरा ये गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, सिकुड़ने और फैलने में सहायक है, यानी यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है, दूध के स्त्रावण को प्रेरित करता है, इसलिए इसे मिल्क इंजेक्शन हार्मोन्स भी कहते हैं, और यह हार्मोन बच्चा पैदा होने के समय गर्भाशय की आंतरिक दीवारों में कर्मकुंचन पैदा करता है, यानी कि एक गति पैदा करता है जिसे प्रसव पीड़ा कहते हैं, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीटोसिन। एंड्रोजन हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्रावण किया जाता है द्वारा, ए फोलिकल सेल्स, बी लीडिंग सेल्स, सी कार्पस लैक्टम और डी सर्टोली सेल्स। तो इसका सेक्रेशन भी, इसकी रिलीजिंग भी लीडिंग सेल्स द्वारा ही की जाती है। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों का स्त्रावण लीडिंग कोशिकाओं द्वारा किया जाता है,